घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। अगर आप ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ईयरफोन का इस्तेमाल करने से हो सकती हैं कई घातक बीमारियां। अगर आप जानना चाहते हैं ईयरफोन का इस्तेमाल करने से ऐसी कौन-कौन सी बीमारियां या कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आजकल ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया से बेखबर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोग हर वक्त अपने कानों में ईयरफोन लगाए रखते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ईयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके कानों को नुकसान पहुंच सकता है। ये आपको बहरा भी बना सकता है। आइए हम आपको बताते हैं ईयरफोन का इस्तेमाल करने का नुकसान। पहला नुकसान जो है, कम सुनाई देना। सभी ईयरफोन में हाई डेसिबल वेव्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से आप हमेशा के लिए सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। इसलिए 90 डेसिबल से अधिक आवाज में गाना ना सुने। दिमाग पर बुरा असर। ईयरफोन में लंबी समय तक गाना सुनने से दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। इसका मतलब है कि आपको इन गंभीर समस्याओं से बचने के लिए ईयरफोन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इन्फेक्शन का खतरा। ईयरफोन से लंबे समय तक गाना सुनने से कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब भी किसी के साथ ईयरफोन शेयर करें तो इसके बाद सैनिटेशन से साफ जरूर करें। डॉक्टर के मुताबिक ईयरफोन के इस्तेमाल से कान में अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे कान में छनछन की आवाज आना, सनसनाहट, सिर और कान में दर्द आदि। हृदय रोग व कैंसर। तेज आवाज में गाना सुनने से मानसिक समस्याएं, हृदय रोग और कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। बहरेपन की समस्या। ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल करने से सुनने की क्षमता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे सुनने की क्षमता 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है। कान का पर्दा वाइब्रेट होने लगता है और दूर की आवाज सुनने में परेशानी होने लगती है। यहाँ तक इससे बहरापन भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हेडफोन का इस्तेमाल या ईयरफोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें। और अगर गाना सुनते वक्त 90 डेसिबल से अधिक आवाज रखते हैं तो इसको 90 डेसिबल से कम आवाज रखकर ही सुने, ताकि आपके कान को कोई भी हानि ना पहुंचे या फिर इनमें से जितनी भी बीमारियां हमने बताई इनमें से कोई बीमारी ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहे हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।